नमस्कार, मैं हूं नेहा। आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। दवा कारोबारी के कारण वाराणसी में बन गए हैं 8 हॉटस्पॉट। उसके साथ ही बर्थडे पार्टी में शामिल लोगों पर नजर। वाराणसी में मंडुआडीहा थाना के क्षेत्र में संक्रमित मिले दवा कारोबारी के कारण शहर में 8 इलाके हॉटस्पॉट बन गए हैं। उसके क्षेत्र मडौली के अलावा उसके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी उसके ग्राहकों को भी संक्रमित होने के बाद अन्य इलाकों को सील कर पाबंदियाँ लगा दी है। 5 मई तक उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी। मई की शुरुआत के बावजूद उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के दौर अभी दूर है। प्रदेश में दिन रात तापमान अभी सामान्य से कम बना हुआ है। अब फिर से उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में 5 मई तक भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। बबनी गैस सिलेंडर लेने आए वृद्ध की मौत। स्थानीय थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय असनहर के समीप शुक्रवार को दोपहर लगभग 3 बजे रसोई गैस सिलेंडर लेने गए एक वृद्ध की मौत हो गई। होम डिलीवरी न होने के कारण वह बबनी गैस सिलेंडर लेने गया था। बबनी थाना क्षेत्र के करमघट्टी गांव निवासी 60 वर्षीय भैयाराम गोड़ पुत्र बंसराज गोड़ शुक्रवार को अपने घर से बबनी गैस सिलेंडर लेने आया था। 116 नए केस सामने आए, 2328 पहुंचा आंकड़ा। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 116 नए केस सामने आए। वहीं 104 कोरोना मरीज इलाज के बाद स्वस्थ घोषित किए गए हैं, इन्हें घर भेज दिया गया। कोरोना के नए केस में 39 आगरा से तथा 13 मरीज गौतम बुद्ध नगर और फिरोजाबाद से हैं। राज्य में अब तक कोरोना से मृतकों की संख्या 42 पहुँच गई है। सोशल डिस्टेंसिंग में दिखने लगी लापरवाही। जिले में लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग में अब लापरवाही दिखने लगी है। सुबह दुकान खुलते ही सड़कों पर लोगों की आवाजाही बढ़ जा रही है। शुक्रवार को लोगों ने सोशल डिस्टेंस के दर किनारे रख जरूरत के सामानों की खरीदारी की। वहीं जगह जगह तैनात पुलिस प्रशासन भी मौन नजर आ रही है। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहे पोल खोल पोस्ट के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।